लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट की थी और आज मैंने आपको जो है हाइब्रिडाइजेशन की पोस्टुलेट्स भी भेज दी हैं। सही है बात? ठीक है। सो हाइब्रिडाइजेशन को लास्ट लेक्चर में मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस करा दिया था। ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आप सुनते जाइए। आई होप जो आज मैंने आपको थोड़ा सा ग्रुप में भेजा है हाइब्रिडाइजेशन का लिटरेचर, वो आपने पढ़ लिया है जैसा मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था। ठीक है, उसके आप गो थ्रू जो है हो गए होंगे। ठीक है, अच्छा चलिए। हाँ, उसमें पोस्टुलेट्स है ना, आप देखिए ग्रुप में जो डाली हुई है उसमें। चलिए कोई बात नहीं, अभी हम बात को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो व्हाट इज देयर, हम यहां पर बात करने जा रहे हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशंस। हाइब्रिडाइजेशंस कितनी तरह की होती हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। तो सबसे पहले हम यहां पर भी कुछ टेबुलर फॉर्म बना लेंगे, हम जितना सही तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को समझ पाए स्टार्टिंग में ही उतना बढ़िया रहेगा। अब यहां पर एक मिनट, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड हाइब्रिडाइजेशन एंड देन ज्योमेट्री। आप लैंडस्केप में भी बना सकते हैं तो खुली स्पेस मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो अब सुनिए, टाइप ऑफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड, अगर जो है एक एस है और उसके साथ में पीएक्स इन्वॉल्व्ड है, एस के साथ में अगर पीएक्स ऑर्बिटल जो है इन्वॉल्व्ड है, तो ऐसे में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी उसका नाम होगा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? एसपी। और एसपी क्या होगा? नहीं नहीं अभी स्टार्ट ही किया हमने। ठीक है, अभी स्टार्ट ही किया हमने, दो मिनट ही हुए, यही टेबल बना रहे हैं हम। ठीक है, तो अब एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। और एसपी हाइब्रिडाइजेशन, लास्ट लेक्चर में मैं आपको कह चुका हूं कि हर कोई जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसकी जो पीएक्स ऑर्बिटल्स, पी ऑर्बिटल्स तीन तरह के होते हैं, पीएक्स पीवाई पीजेड। तो हम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को एक्स एक्सिस मान रहे हैं, तो इसलिए यहां पर जो है पीएक्स ऑर्बिटल को लिया गया है। सही है बात? तो व्हाट आई एम सेइंग कि यहां पर एसपी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। और मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि हर कोई जो ऑर्बिटल होगा हाइब्रिडाइज्ड उसकी जो शेप होगी वो इसी तरह की हो। सही बात है, एक बड़ा लोब एक छोटा लोब। और अब हमारे नॉलेज में जो है वीएससी पीआर थ्योरी भी, हम जानते हैं कि दो ऑर्बिटल्स अगर जो है रखे जाएंगे तो रिपल्शंस को मिनिमाइज करने के लिए उनमें 180 डिग्री का एंगल होना चाहिए। सही बात है, तो इसलिए सुनिए, जैसे अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम इसको मान लेते हैं तो ये एक हो गया और दूसरा जो है हो गया ये। सही है बात, ये दो, हाँ, मिनिमम रिपल्शन इज एट 180 डिग्री। आप देख रहे हैं दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स जो हैं एक दूसरे से 180 पर
आ चुके हैं। इज इट ओके? आकर्षित टेस्ट का सिलेबस पूछ रहा है, तो टेस्ट का सिलेबस जो रहेगा दैट इज क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, केमिकल पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल प्लस केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ओके। अब आप पढ़ाई पे ध्यान दें, तो इस ज्योमेट्री को हम बोलेंगे लीनियर ज्योमेट्री, सुनते जाइए, ये बिल्कुल बीएससी पीआर थ्योरी ही आती जा रही है यहां पे, अब सुनते जाएं। ऐसे ही अगर एस प्लस पी एक्स प्लस पी वाई ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा sp2, ठीक है, और तीन ऑर्बिटल्स आप जानते हैं कि तीन ऑर्बिटल्स अगर जो है होंगे तो किस डिग्री के एंगल पे होंगे, यू नो इट, वो होने चाहिए 120 डिग्री पे, तो बिल्कुल 120 डिग्री पे ही जो है वो है, ठीक है, ये 180 डिग्री का एंगल है यहां पर और ये जो है 120 डिग्री का, तो इट इज 트라이그널 플레이너, सही बात है, इट इज 트라이그널 플레이너। और अब सुने, ये हो गई दो की बात, आप प्लीज जल्दी जल्दी से या तो स्नैपशॉट ले लीजिए या जो है आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जल्दी से स्नैपशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये बीएससी पीआर थ्योरी की ही रेप्लिकेशन है, डन। तो अब आप सुने, इट इज अगर एस प्लस ऑल द थ्री पीज मतलब पी एक्स भी पी वाई भी पी जेड भी, इसलिए मैंने थ्री पीज लिख दिया, अगर इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, ठीक है, और उसमें जो ज्योमेट्री होगी आप लोग जानते हैं दैट विल बी टेट्राहेड्रल, क्योंकि टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्रीज की लास्ट लेक्चर में बात हो चुकी है, तो इसलिए अब ये आपके लिए आसान है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस प्लस थ्री पी प्लस डी जेड स्क्वायर जब इन्वॉल्व होगा तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3d, क्योंकि पी के तो तीन ही होते हैं ना, पी के तीन ही होते हैं, इसके बाद डी की बारी आएगी sp d, ठीक है ना, तो sp3d अगर होगा तो टोटल हो गए 5 ऑर्बिटल्स, तो इट विल बी 트라이그널 피라미드। इज इट ओके? अच्छा, 트라이그널 바이피라미드, ठीक है, हाँ, सुनिए, अब सुनिए, नेक्स्ट इज एस प्लस थ्री पी प्लस डी एक्स वाई एंड प्लस डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, अगर ये है सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2, ठीक है, ज्योमेट्री विल बी ऑक्टाहेड्रल, सही है बात। द लास्ट वन इज एस ऑल द थ्री पीस एंड देन डी एक्स वाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड प्लस डी जेड स्क्वेयर, आप क्रैम कर लें जस्ट जो अभी, ठीक है ना, अभी आपके पास कोई तरीका नहीं है कि आप इसके लिए कोई शॉर्टकट, ठीक है, देखो टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स जो है अभी आप अपने दिमाग से हटा दीजिए, आप सिर्फ इन हाइब्रिडाइजेशंस को याद रखें, मैंने पूरी डिटेल दे दी ताकि जो है जब लेटर ऑन आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, तो जो है आप इसको यूज कर सके, मुझे सिर्फ ये चाहिए टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और उसमें ज्योमेट्री क्या होगी। सुनिए, इट इज ऑक्टाहेड्रल s3p dxy dx² - y² एंड इट इज sp3 d3, जिसको हम बोलते थे
आपने अभी कुछ नहीं देखना, आप इसको एज सच रखे रखिए प्लीज। आप यहां पे ध्यान दीजिए कि हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से टाइप की होती है। वी डोंट नीड दिस एट दिस टाइम, इज इट ओके? आपको ये ध्यान रखना है और स्ट्रक्चर ये ध्यान रखनी, इज इट ओके? मिनिमम हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, देन एसपी टू, देन एसपी थ्री, एसपी थ्री डी, एसपी थ्री डी टू, एसपी थ्री डी थ्री, और भी होती हैं, उसकी बात ट्वेल्थ में करेंगे, ठीक है? अभी इतना। स्नेहा जी, डायग्राम लास्ट क्लास में आप बना चुके हो, सिर्फ उन डायरेक्शंस में आपको ऑर्बिटल्स लगाने, इज इट ओके? हाँ ठीक है। तो अब सुनते जाएं आप मेरी बात। अब मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका बता, सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का सबसे पहला तरीका बता रहा हूं, ठीक है? सुन लीजिए आकर्षित जी, sp3d3 की डायग्राम पिछले लेक्चर में हम बना चुके हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बस जहां पे हमने लाइंस लगाई हैं वहां पे आपको लोब्स लगाने हैं, सही है? इट्स इजी, है ना? हमें डायग्राम में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है ना? हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल्स ओरिएंटेड किस तरफ है। तो आपको ये पता लग गया कि ऑर्बिटल्स जो है इस तरफ ओरिएंटेड, ठीक है? हाँ, दीज लोब्स आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, दीज लोब्स आर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। जैसे दो में मैंने sp और sp2 में मैंने बता दिया, डन, इजी। अच्छा, तो नेक्स्ट थिंग, अब इसके आगे हम बढ़ रहे हैं, दैट इज, सुनते जाएं आप बात, इसको हम बोलते हैं स्टेरिक नंबर मेथड, ठीक है? सो स्टेरिक नंबर मेथड, हमने हाइब्रिडाइजेशन को स्टेरिक नंबर के तरीके से निकालना सीखना है, ठीक है? आप समझिए किस तरह से निकालेंगे। देखो, पहले तो मैं सीधे सीधे लिख लूं, अभी मैं तरीका नहीं बता रहा हूं, अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूं कि स्टेरिक नंबर की वैल्यू क्या हो और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो। तो अब यहां पे स्टेरिक नंबर अगर दो है तो हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, तीन है तो एसपी टू है, चार है तो एसपी थ्री है, पांच है तो एसपी थ्री डी है, छह है एसपी थ्री डी टू है, और सात है तो एसपी थ्री डी थ्री है, सही बात है? ठीक है, अभी सुनते जाओ, ज्यादा उतावले मत हो, ठीक है? अब यहां पर ना, नहीं, हाइब्रिडाइजेशन यहीं तक हो सकती, डी फाइव तक नहीं आएगा, ठीक है? हाँ हाँ, सुन लीजिए, अभी जो है मैं बता रहा हूं व्हाट इज स्टेरिक नंबर। पहले आप इंतजार कीजिए, सबसे पहले मैं कुछ दो पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं, सबसे पहले आप उसको नोट डाउन कीजिए, जरूरी पॉइंट, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर्स आर इन्वॉल्व्ड इन इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात,
पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, अब सुने, मैं आपको अभी एक तरीका हाइब्रिडाइजेशन का बता रहा हूं जो स्टेरिक नंबर मेथड वाला है. मेरे पास दो और तरीके हैं बताने के लिए, लेकिन अभी जो है हम उनको पेंडिंग रख रहे हैं. ठीक है, पहले हम इससे सीख जाएंगे, फिर जो है आगे बढ़े. इज इट ओके? ये भी बढ़िया तरीका है, सुन ले. तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं फॉर्मूले की फॉर्म में पुट कर दूं, सो दिस स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू, सुन लीजिए, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स विद एटम, एक एटम के साथ में कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, एंड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. Is it okay? Number of sigma bonds with atom plus number of lone pair. Example के साथ बता रहा हूं, example के साथ बता रहा हूं, अब सुन लीजिएगा, example के साथ बता रहा हूं. ठीक है ना, आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए आप, मैं आपको जो है example दे के बताने लगा हूं. सबसे पहले हम example दे रहे हैं, देखो सबसे पहले मैं आपको example दे रहा हूं, that is carbon dioxide. CO2 का एग्जाम्पल लेते हैं. सो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या है, इसकी जो स्ट्रक्चर है वो ये है. हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर से कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर बनाना जानते हैं. सुन लीजिए, चाहे मुश्किल से बने लेकिन हमें हम बना सकते हैं. सही बात है, लिविस डॉट स्ट्रक्चर से जो है ये बना सकते हैं. तो पहली बात तो हम ये जाने कि जनरली हम हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम की ही निकालते हैं, लेकिन मैं सबकी आपको निकाल के बता रहा हूं, बोर्ड पे ध्यान रखिए आप. सबसे पहले हम इस कार्बन का स्टेरिक नंबर निकाल रहे हैं. स्टेरिक नंबर आप देखें, इसमें सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, कार्बन के अराउंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने, दो. कार्बन के पास लोन पेयर्स कितने, जीरो, टू प्लस जीरो इज. तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp. तो ऐसे में कार्बन डाइऑक्साइड को लीनियर होना चाहिए. द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड इज sp. इज इट ओके? बढ़िया, प्रमाश को समझ में आ गया. अब सुने, आप मुझे इस ऑक्सीजन का बताएं, इस ऑक्सीजन का बताएं आप मुझे कि हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड्स आर देयर, वन. हाउ मेनी लोन पेयर्स आर देयर, व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, sp2. बिल्कुल सही बात है. सो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस वन इज sp2. सिमिलरली ये और ये सेम ही है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 ही आएगी, क्योंकि स्टेरिक नंबर इसका भी तीन. लोन पेयर चार, लोन इलेक्ट्रॉन्स चार है, पेयर्स आर टू. There are two pairs. Is it okay? आपने पाई बॉन्ड काउंटिंग ही करने, सुनते जाइए अभी आप. अभी मैं और एग्जाम्पल दे के आपको बता रहा हूं. ठीक है, अभी आप अगला एग्जाम्पल देखिए. यहां पर दैट इज SF6 कार्बन के पास दो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, दिस सिग्मा, लोन पेयर्स आर जीरो, देयर इज नो लोन पेयर ऑन कार्बन. ठीक है, अब बात कर रहे हैं SF6, सुन लीजिएगा आप मेरी बात. हम सिर्फ उस एटम की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे जो कि अंडरलाइन है.
जैसे कि SF6 में सल्फर की, तो हमने एग्जांपल में लिया भी था SF6 को कि इसकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होती है ऐसे, ठीक है। आप मुझे बता सकते हो अब जो है कि व्हाट इज द स्टेरिक नंबर ऑफ सल्फर, स्टेरिक नंबर ऑफ सल्फर इज इक्वल टू कितना, 6 + 0 दैट इज 6, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3d2, तो ऐसे में ज्योमेट्री आ जाएगी ऑक्टाहेड्रल, जो कि ये कंफर्म हो गई कि ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। इज इट ओके, आपको मेरी बात समझ में आ रही है आसानी से? बिल्कुल आसानी से समझ में आ रही होगी, ठीक है। हाँ सुनते जाइए, अब सुन, ऐसे ही थर्ड स्ट्रक्चर जो है दैट इज बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो BF3 जो है उसकी ज्योमेट्री ऐसे आ रही है BF3। नहीं अग्रिम जी, अभी मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, उसमें मैं आपको स्ट्रक्चर निकालना भी बताऊंगा, अभी मैं पहला बता रहा हूं कि अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप हाइब्रिडाइजेशन सीधे सीधे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ओके। तो अभी जो है सिंपल हो गया, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 3 + 0, तो हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 एंड ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर। आई होप आपको बात जो है समझ में आ गई है, ठीक है। आगे एग्जांपल लेते हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड का SO2 का, सो इस एग्जाम्पल में यू हैव टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सल्फर, कैन यू ट्राई दिस? डेफिनेटली हाइब्रिडाइजेशन बताइए, स्टेरिक नंबर इज 2 + 1, सो दैट इज 3 एंड हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, सही बात है, sp2 है ही, एक लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड, सही बात, डन, यू आर गेटिंग इट, ठीक है। अच्छा एंड देन नेक्स्ट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड में सल्फर की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है आपको, ओनली फॉर सल्फर sp2, स्टेरिक नंबर इज इक्वल टू 3 + 0, सो दैट इज 3, आपको जो है स्टेरिक नंबर 3 आ गया और आपने जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल दिया, डन, ठीक है। कुछ और ट्राई करते हैं, द नेक्स्ट इज साइनाइड आयन, इट इज साइनाइड आयन, कैन यू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन बोथ, कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो? यहां पे मुझे प्रवेश नहीं दिखाई दे रहा, प्रवेश नहीं दिखा दे रहा, ठीक है। प्रवेश अभी बैठा है क्लास में? अच्छा नो प्रॉब्लम। अब सो आई होप आपको ये पता लग गया होगा कि इसका स्टेरिक नंबर जो है 1 + 1 = 2 एंड सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, ऐसे ही इसका भी स्टेरिक नंबर इज 1 + 1, सो हाइब्रिडाइजेशन इज sp, सही है बात। सो दोनों की हाइब्रिडाइजेशन हमें आ गई, सुनते जाइए। ऐसे ही अब लेते हैं हम एग्जाम्पल,
जी अभी सुनिए, ऐसे ही बना दिया। अभी सुनिए, यू हैव टू फाइंड द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम्स। मैंने उनके नंबरिंग भी कर दी। आपने जिन जिन एटम्स को मैं राउंड करता जा रहा हूं, आपको उनकी हाइब्रिडाइजेशन बतानी, ठीक है? तो नंबरिंग भी मैंने कर दी। आप ट्राई कीजिए।
क्या बात है, रुद्र ने तो सारा भर दिया। बिल्कुल, चलिए देखते हैं, चेक करते हैं कि किसके सही हैं। हाँ बिल्कुल 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 ठीक है। क्या बात है, कोई कह रहा है कि ऑल आर SP3। चलिए अब देखते हैं, ये पहला है SP3, सही बात। दूसरा है SP2, तीसरा है SP3, चौथा है SP2, SP3, SP2, SP, SP। किसके सारे सही हुए? क्या बात है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मतलब आपको स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया, सही बात है। स्टेरिक नंबर से हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया। देखो हमने कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी दिया, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो सबसे आसान तरीका ये है, कम से कम ठीक है ना, शुरुआत हमारी हो गई ना, शुरुआत हो गई, ठीक है। आकर्षित बिना बॉन्ड के मैं पहले आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, इंतजार करो। लेकिन अभी मेरा इसी से काम हो जाएगा, मुझे बहुत कुछ बताना है, ठीक है ना। तो दूसरे तरीके को मैं पेंडिंग रख रहा हूं अभी, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अच्छा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं इससे आगे। आगे क्या बात करने जा रहे हैं सुनते जाइएगा। ये जो अगला पोर्शन है ना, आप ध्यान दीजिएगा। अगला जो पोर्शन है, मैं जो करवा रहा, हो सकता है आपको ये पोर्शन थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ लिया तो ये बहुत काम आने वाला है आगे। मतलब जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती थी, इस पोर्शन को हम जो है हटा देते थे, बाद में स्टूडेंट्स को करवाते थे। लेकिन अब क्या है कि आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है याद करने के लिए, सारा दिन है, ठीक है। तो डिले करने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। और क्योंकि हर कोई जो है मतलब अब अच्छे से पढ़ाई कर सकता है कोई, ठीक है ना, जितना टाइम, टाइम की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए मैं इस पोर्शन को टफ पोर्शन मान लो, क्रैम करने वाला पोर्शन मान लो, जैसा भी आप मान लो, आई एम गोइंग टू गिव इट, ठीक है ना। हाँ तो इसलिए आप बिल्कुल ये मत मानिएगा कि टफ हो गया ये। सो हम बात कर रहे हैं एग्जांपल्स ऑफ SP hybridization, examples of SP। अभी अभी आ रहा है अर्शदीप जी, आपको क्या याद करना है, अभी आएगा। examples जो है वो आपको याद करने हैं। तो इसमें जो है आप देखिएगा, जैसे सुनते जाइए मेरी बात, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, दैट इज BeCl2। BeCl2, आप इसमें जो है ध्यान देते रहिएगा, हाउ दिस BeCl2 इज, ठीक है। देखिए जो BeCl2 होता है गैसियस स्टेट में जब होता है, जब ये किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में, तो जो BeCl2 है वो लीनियरली एग्जिस्ट करता है। लीनियरली मतलब जैसे कि जो बेरिलियम है, जो बेरिलियम
है, बेरिलियम के जो है, यहां पर देखिए सेंट्रल एटम इज बेरिलियम, बेरिलियम इज एसपी हाइब्रिडाइज्ड, तो ये सेंट्रल एटम के लोब्स हो गए। सही है बात, ये BCl2 के दोनों एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हो गए जो सेंट्रल एटम, ठीक है। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन जो है उसके, सुन लीजिए, क्लोरीन का पी ऑर्बिटल उसके साथ मर्ज होता है, सुन लीजिएगा, 180 पे है ये, क्लोरीन का पी ऑर्बिटल मर्ज होगा तो इस तरीके से ये क्लोरीन का ऑर्बिटल लगेगा ऐसा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आप देखें, ये क्लोरीन का है जो कि पी एक्स ऑर्बिटल है, ये दूसरी क्लोरीन का है जो कि पी एक्स ऑर्बिटल है, और ये बेरिलियम के एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है। बात समझ में आई कि नहीं? पीएक्स क्यों अग्रिम जी, मैंने कहा था कि एस के साथ ये जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है, हम मान के चल रहे हैं कि ये एक्सिस जो एक्स एक्सिस है, इज इट ओके? तभी मैंने कहा कि एस के साथ जब पीएक्स चलता है तो जो है एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है, तो एक्स एक्सिस है, तो मतलब जो इसमें क्लोरीन वाला जो ऑर्बिटल है वो पी होना चाहिए, इज इट ओके? अभी मैं क्लोरीन की थोड़ी सी याद करा दूं आपको, आपको पता है कि क्लोरीन एक हैलोजन है, सही बात है, क्लोरीन जो है एक हैलोजन, तो क्लोरीन की आउटर मोस्ट जो कॉन्फिगरेशन होगी दैट इज लाइक दिस, थ्री पी फाइव ओ, सही बात है, इसका एक जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो बेरिलियम के साथ ओवरलैप होता है, विद शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, तो इसने अपना, इस क्लोरीन ने अपना ये इलेक्ट्रॉन दिया, बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन होते ही, आप जानते हैं बेरिलियम की कॉन्फिगरेशन जो 1s2 2s2, उसकी वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही बात है, तो इसलिए जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स देता है, ठीक है। हाँ, आप बनाइए पूरी डायग्राम बनाइए आप, ठीक है, सुन लीजिए, ठीक है। तो यहां पर जो है इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2, अभी आप इतना ध्यान रखिए, ठीक है, सुनते जाइए। द सेकेंड एग्जाम्पल हम ले रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड का, HCN का। अब अगर HCN का आप एग्जाम्पल देखें तो आप जानते हैं कि कार्बन जो है क्या हाइब्रिडाइजेशन आ रही है, कार्बन की एसपी आ रही है, सही बात है, सो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ एसपी हाइब्रिडाइजेशन। आप सुनिए, तीसरा एग्जाम्पल आ गया एसिटाइलीन, एसिटाइलीन जो है ये स्ट्रक्चर आ गई, सुनते जाइए, सही बात कह रहा हूं, ठीक है, इसका नाम है इसमें दोनों कार्बन्स एसपी हाइब्रिडाइज्ड हैं, ये भी और ये भी, चौथा आ गया ये, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपाडाइन, या इसको एलीन भी बोलते हैं, प्रोपाडाइन या एलीन। अब आप एक बात सुनिए मेरी, मैं थोड़ा सा आपको और डेप्थ में बताऊं इसके बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में मैं थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में बताने लगा हूं, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं इस मॉलिक्यूल की पहले बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज C2H2, सही बात है,
C2H2 की बात मैं करने लगा हूं पहले, ठीक है। C2H2 में पहले आपने समझना, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, सबका ध्यान बोर्ड पे। देखो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि C2H2 में ऑर्बिटल वाइज क्या सिचुएशन है। देखो दो कार्बन हैं, एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, ये देखिएगा दोनों कार्बन में बना रहा हूं, दोनों कार्बन हैं, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार, तो ये बना लीजिए, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। सुनिए अब क्या है, C2H2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। C2H2 को आप यहां पे देख सकते हैं, इस स्ट्रक्चर को, तो आप जानते हैं एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ, एक तो सिग्मा बनाया हुआ सिग्मा, एक कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ सिग्मा बनाया, मतलब इनकी शेयरिंग जब आपस में हुई तो इनसे तो सिग्मा बन गया, सही बात है। जब इस इलेक्ट्रॉन की इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग हुई, जब ये ऑर्बिटल्स मर्ज किए तो सिग्मा बन गया, सही बात, एक बात। और आप ये भी जानते हैं इस कार्बन ने एक हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड बनाया, तो मैं हाइड्रोजन का इधर शो कर देता हूं, सही है बात। और ऐसे ही इस कार्बन ने भी इस हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड बनाया हुआ, ये एक कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। इस मॉलिक्यूल में तीन सिग्मा मौजूद है, आप देख रहे हैं इस मॉलिक्यूल में तीन सिग्मा मौजूद हैं, एक कार्बन कार्बन के बीच में बना है, दो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बने, सही बात है। अब सुन लीजिए, आप जानते हैं मैंने आपको कहा था कि ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर इन्वॉल्व्ड इन हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन पेयर्स, पाई बॉन्ड्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, सुनते जाइए। तो इसका मतलब इस कार्बन ने क्योंकि दो ही बनाए हैं सिग्मा, ये एस ऑर्बिटल है ये पी है, ये एस ऑर्बिटल है ये पी है, सही बात है, ये पी सबशेल है ना, सुनते जाइए, ठीक है। तो क्योंकि सिग्मा ही इन्वॉल्व है, एक एस है एक पी है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई, एसपी हुई, सही बात, एक एस और एक पी इन्वॉल्व है, इसमें एक एस और एक पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है ना, बाकी तो अलग है, अभी उनकी तो हमने बात ही नहीं की, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी हो गई और इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन जो है एसपी हो गई, सुन लीजिए, ठीक है। लेकिन अब बात यह है कि आखिर ये जो बचे हैं इनका क्या होगा, ये जो बचे हैं इनका क्या होगा, सुनिए इनका क्या होगा, ये आपस में ओवरलैप तो करेंगे लेकिन साइड वाइज करेंगे, तो इट इज ए पाई बॉन्ड एंड इट इज ऑल्सो ए पाई बॉन्ड, समझ गए बात, सो देयर आर टू पाई बॉन्ड्स। क्योंकि मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि दो एटम्स के बीच में ज्यादा से ज्यादा एक ही सिग्मा बनेगा, बाकी जो होंगे वो पाई होंगे, सही बात, हाँ। अब सुने सुने, अभी बहुत कुछ है बात, आकर्षित देखना। अब जो है, अब मामला ये है कि हमने इसकी स्ट्रक्चर बनानी, ठीक है, सुनते जाए। तो ये एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ठीक है, ये इसका एसपी हाइब्रिडाइज्ड एक ऑर्बिटल हो गया और यहां पर ये दूसरा हो गया, सही बात है, ऐसे एक कार्बन का, इज इट ओके। और ऐसे इस कार्बन का ये एक सिग्मा एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया, ये दूसरा हो गया, सही बात है, छोटे लोग मैं नहीं बता रहा हूं, वो अंडरस्टूड है कि वो हैं, ठीक है, दोनों के एसपी हाइब्रिडाइज कार्बन हो गए। अब देखो मैंने कहा हर, अगर ये दोनों कार्बन जो है एसपी हाइब्रिडाइज हैं, तो इनके जो लोब्स हैं वो 180 डिग्री पे ही होने चाहिए, और क्योंकि एक का दूसरे के साथ ओवरलैप ही है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड एक बना हुआ है, सही बात, तो इसलिए, हाँ इसलिए जो है, और ये जो बच गए ये हाइड्रोजन के साथ जो है
सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। सही बात। तो मतलब ये कार्बन कार्बन का सिग्मा, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा, तो तीन सिग्मा बन गए। ठीक है, सम किसी ने मेरे से कुछ बड़ा चैट किया तो मैं एक मिनट, सर पाई बॉन्ड तो इन्वॉल्व ही नहीं होता, तो साइडवाइज ओवरलैप से आया तो जरूरी नहीं है वो निकालना। नहीं नहीं नहीं, पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन पाई बॉन्ड तो होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई बॉन्ड तो बनाएंगे ना। ठीक है, तो बॉन्ड तो हमें दिखाना पड़ेगा ना, भले ही वो हाइब्रिडाइजेशन में ना इन्वॉल्व हो, लेकिन पाई नाम का बॉन्ड तो होता है ना दुनिया में, तो हमें साइडवाइज ओवरलैप दिखाना है। अभी मैंने आपको सिग्मा दिखाया, अभी मैंने आपको सिग्मा दिखाया, आप ध्यान देते रहे बोर्ड बोर्ड पे ध्यान रखें, ये भी मैंने आपको सिग्मा दिखाया। अब इसके बाद क्या है, सुने सुने, अभी मैं पाई दिखा रहा हूं लेकिन इसमें पाई की हौज पौच हो जाएगी, सो मैं क्या कर रहा हूं, मैं कंफर्टेबिलिटी के लिए फिर से नई स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि अभी ये तो अपने सिग्मा हो गए, ये कार्बन कार्बन का सिग्मा जो ये है, ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा और ये कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा। क्या आपको बात समझ में आ गई, इज इट ओके? ठीक है, अच्छा नहीं समझने से ही कि बार बार अनफोकस हो रहा है, अनफोकस यहां से नहीं हो रहा, वो नेटवर्क में कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल करूंगा, मैं हर रोज करता हूं प्राची। ठीक है, सुने अब आप बात, आप ध्यान दीजिएगा, सुने, ये सिग्मा हो गए लेकिन ना अब बात है कि पाई कहां हो गए, ये तो एक्स एक्सिस आ गया, ध्यान दीजिएगा, अब जरूरी बात हो रही है, पाई कहां पे हो गए, लेकिन क्योंकि एस और पी एक्स इन्वॉल्व हो चुकी हैं, तो पी के दो ऑर्बिटल दोनों कार्बन के पास बचे, कौन सा, पी वाई पी जेड। सही बात है, पाई बॉन्ड बनाने के लिए पी वाई और पी जेड जो है बचे हुए, तो देखो अब क्या होगा, और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है ना, जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है उसको वैसे ही बनाया जाता है जैसे वो ओरिजिनली है, मतलब अपना पी जेड कैसा होगा, अपना पी जेड होगा ऐसे। सही बात है, कार्बन का पी जेड कैसे होगा, ऐसे ही होगा जेड एक्सिस में। ठीक है, ऐसे ही दूसरे कार्बन का पी जेड भी ऐसे ही होगा जेड एक्सिस में। सही बात है, अब जब ये साइड वाइज ओवरलैप करेंगे, क्योंकि मैं इनको दूर दूर दिखा रहा हूं लेकिन ये क्लोज हैं, ओवरलैप्ड है, मतलब ये ऐसे हैं नजदीक, ये इतने नजदीक हैं, इनमें ओवरलैपिंग है, लेकिन मैं इनको दूर दूर दिखा रहा हूं, ऐसे बॉन्ड बना के दिखा दे रहा हूं कि इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन। सही बात है, ये दोनों जो है ऐसे ओवरलैप हैं, सो दिस इज वन पाई बॉन्ड, दिस इज वन पाई बॉन्ड है ना, तो ये पाई वन हो गया। सही बात है, अभी बात बाकी है, दैट इज अब ये पीजेड पीजेड का आ गया। अब देखो वाई एक्सिस में क्या है, वाई एक्सिस में ऐसे आएगा लो परपेंडिकुलर, ऐसे वाई एक्सिस में, और जो है इस तरह से आएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये भी पी वाई है और ये भी पी वाई है, तो ऐसे में इट इज पाई टू, ये दूसरा पाई बॉन्ड आ गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एसिटाइलीन में जो दोनों पाई बॉन्ड्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। मुझे लगता है बात समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp एंड s ऑफ दिस, कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड है, हाइड्रोजन का s है, इधर कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड है, इधर भी कार्बन का sp है, इधर कार्बन का sp है, इधर हाइड्रोजन का s है, तो ये तो हो गया सिग्मा का स्टेटस, लेकिन पाई का ये मैंने अनहाइब्रिडाइज्ड वाला अलग से बताया। हाँ हाँ, अगर इन दोनों को मर्ज कर देंगे तो खतरनाक बन जाएगा, इज इट ओके?
क्या आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रही है? अभी बात बाकी है, सुने। मैं मिटा दूं इसको जी। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या किया जाएगा? एक मिनट, लेट मी चूज द एग्जांपल ताकि जो है आपके लिए आसान हो जाए। चलिए, एक और छोटी सी बात बताता हूं, चलो टाइम जितना लगेगा आज उतना लगेगा, जितना आप एंजॉय करेंगे उतनी बात करेंगे, जब आप बोर हो जाओगे तो बोल देना। सुनिए, एक और बात करते हैं, ठीक है ना। अब बात इसमें क्या करनी है, दैट इज यहां पर हमने चलो ऐसे ही पुट करता हूं, सुनिए। ऐसे ही आउट ऑफ द वे क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आप देखिएगा। पुट किया है, हाँ ये किया है कि CH3CN और CH3CH2NH2 में से ज्यादा बेसिक कौन है, ठीक है। पहली बात सुनते जाइए, आपको ऐसे सीधे पता नहीं लगेगा, मेरा लॉजिक सुनते जाइएगा। पहले मुझे ये बताइए विकास जी, यहां से स्ट्रीमिंग सही जा रही है, ठीक है। सुनिए, पहले मुझे ये बताइए कि बेस क्या होता है, हाउ डू यू डिफाइन ए बेस? विकास ने एक डेफिनेशन यहां पे डाली, आप सारे लोग ध्यान दीजिएगा। विकास ने जो डेफिनेशन डाली, दैट इज लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड बेसिस, बेसिस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखिए, पहली बात सारे लोग अपनी कॉपी में लिख दीजिए कि बेसिस डोनेट लोन पेयर्स, ये लुईस थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी, लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड बेसिस, इज इट ओके? सारे लोग लिख लें, अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी लोन पेयर डोनर्स आर कॉल्ड बेसिस, एंड अकॉर्डिंग टू लुईस थ्योरी लोन पेयर एक्सेप्टर्स आर कॉल्ड एसेट्स, उनको लुईस एसेट्स बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, जैसे अमोनिया है लोन पेयर डोनेट करती है, जितनी आसानी से। अभी मैंने कहा मैं आउट ऑफ द वे दो मिनट के लिए जस्ट जो है बात कर रहा हूं, अदरवाइज हम एसिड और बेस जो है पूरे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो टॉपिक है हमारे, 11th में ही बात करेंगे, सुनते जाइए। अब बात ये है, आपको मतलब जो अच्छा लोन पेयर डोनर होगा वो अच्छा बेस होगा, सही बात है, जो अच्छा लोन पेयर डोनर होगा वो अच्छा बेस भी होगा, बिल्कुल सही बात है। अब सुने, मैंने जब पीरियोडिक टेबल किया था तो मैंने एक बात कही थी सुनिए, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है
वो sp हाइब्रिडाइज्ड की सबसे ज्यादा होती है, देन sp2 की, देन sp3 की। सही बात है, ऐसा कुछ लिखा था, लिखा तो था, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था लेकिन लिखा जरूर था। अब मौका आ गया है, मैं उसका आपको रेलेवेंस बताऊं, सुन लीजिए, मौका आ गया है रेलेवेंस बताऊं, सुनते जाइए मेरी बात। देखो पहली बात क्या है, जो एसपी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल एंड परसेंटेज एस करेक्टर, सुनिए यहां पे तीन तरह की हाइब्रिडाइजेशन है, एसपी, एसपी टू, एसपी थ्री। मैं पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आपको लॉजिक बता रहा हूं, सुनते जाइए। पहली बात, हां बिल्कुल बिल्कुल, अब पहली बात यह है कि एसपी हाइब्रिडाइज्ड में कौन कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं, एक एस और एक पी, दो ही इन्वॉल्व है, और दो में से एक जो है एस है, तो ये बताओ एस का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कितने परसेंट होगा, 50। तो परसेंट एस करेक्टर कितना आ गया, 50%। एसपी टू में कितना होगा, 3 में। अब सुनिए, आप मुझे खुद बताइए ऑर्बिटल छोटा कौन होता है, एस के पी, एस, ठीक है। अब सुनिए, अब रुक जाइए, रुक जाइए, अब मुझे ये बताइए एसपी, एसपी टू और एसपी थ्री में से सबसे छोटे ऑर्बिटल्स किसके होने चाहिए, एसपी के, ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि उसमें एस करेक्टर 50% है ना भाई, उसमें एक छोटा ऑर्बिटल है और एक बड़ा है, तो उनका जो मीन होगा वो छोटा डिस्टेंस होगा इन कंपैरिजन टू, जहां पे एक छोटा है और दो बड़ा है, और उससे भी एवरेज किसका होगा, छोटा एस का एंड देन तीन पी बड़े, सही बात है। तो इसलिए जो है एसपी हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल जो है सबसे छोटे साइज के, विकास जी आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि एसपी एस ऑर्बिटल सबसे छोटे साइज का होता है, पी ऑर्बिटल बड़े साइज का होता है, तो जिसमें एस का करेक्टर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटे साइज का होगा, ठीक है, क्योंकि उनका जो मीन ऑफ साइज होगा वो छोटा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, डन, ठीक है। तो क्योंकि अब यहां पे हम रिप्रेजेंटेशन के लिए बना देते हैं कि भैया इसका जो साइज है एसपी का ऐसे, वो छोटा साइज का है, एसपी टू बड़ा साइज का है और एसपी थ्री और बड़े साइज का है, इज इट ओके। अब बताएं अगर ऐसा है तो किस ऑर्बिटल पे न्यूक्लियस का होल्ड सबसे स्ट्रांग होगा, एसपी पे, सही है बात, एसपी पे जो है स्ट्रॉन्ग होगा। समवन इज सेइंग कि वीडियो इज फ्रीजिंग, आप पता है क्या है, फिर उस में देख लेना जो है, जो हम अपलोड करूंगा मैं, बिकॉज यहां से स्ट्रीमिंग सही जा रही है, मैं देख रहा हूं ना सामने, आई यूज टू वॉच के हाउ द स्ट्रीमिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है ना, तो यहां से स्ट्रीमिंग सही जा रही है, ठीक है, देयर माइट बी सम प्रॉब्लम फ्रॉम योर साइड, ठीक है ना। सुनिए, तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये ऑर्बिटल छोटा है तो न्यूक्लियस का होल्ड भी इस पे स्ट्रांग होगा, तो ऑब्वियस सी बात है, हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या कहा था, टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सिग्मा बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है जब ये सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो इसका न्यूक्लियस स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, सही बात है, इसका नहीं खींचेगा, तो इसलिए sp hybridized orbitals are most electronegative and sp3 are least electronegative, बात समझ में आई, क्योंकि sp hybridized orbitals are near to the nucleus,
सही बात है, बहुत बड़ी बात है ये, बड़े आराम से आपने समझ ली, मजे से समझ ली, बहुत बढ़िया है, ठीक है ना, ठीक है ना, आर यू गेटिंग दिस थिंग, आपको लॉजिक क्लियर हो गया। अब सुने आप, अभी सुनिए, अभी तो बात कंक्लूड, तो क्वेश्चन तो ये है, हमने इस क्वेश्चन तक पहुंचना है, ठीक है। अब सुने, आप मुझे ये बताएं, आसानी से लोन पेयर कौन डोनेट करता है? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो देगा आसानी से लोन पेयर, कि जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो देगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आसानी से देगा, सही बात है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो अपने पास खींचेगा। अब मुझे इन दोनों नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। लोन पेयर तो इन्हीं के पास है ना, और किसी के पास तो लोन पेयर्स नहीं है। पहले वाले नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp2, सही बात है। दूसरे वाले की हाइब्रिडाइजेशन बताइए, sp3। तो कौन आसानी से लोन पेयर देगा? sp3। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ, कौन ज्यादा बेसिक हुआ? ये ज्यादा बेसिक हुआ, बस। तो CH3 CH2 NH2 इज मोर बेसिक। बहुत बड़ी बात सीख ली आपने, बहुत बड़ी बात सीख ली, ठीक है ना, कि हमने बेसिक करैक्टर निकालना सीख लिया, सही है बात, हमने जो है बेसिक करैक्टर निकालना सीख लिया। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। उसका sp2 कैसे हुआ लोन पे? अरे स्टेरिक नंबर निकाल लिया, कोई sp2 नहीं हुआ, sp हुआ इसका, sp हुआ, sp होगा, बिल्कुल सही है, sp होगा। हाँ हाँ, मैंने ध्यान दिया क्योंकि, ठीक है ना, हाँ डन, ठीक है। साइनाइड कम एसिडिक होगा, बस हमने ये नहीं निकालना, हमने ज्यादा कम निकालना है, हमने ज्यादा कम निकालना है, हमने ये नहीं निकालना है कि कौन एसिडिक होगा कौन बेसिक, हमने ये निकालना है ज्यादा बेसिक कौन है, बस, ठीक है। हाँ चलिए, अभी आगे बढ़ते हैं, सुन ले अब बाबा। अब नेक्स्ट जो बात है, दैट इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप अब सुन लीजिए, sp सुन लीजिए अब, हाँ बिल्कुल, अरे अच्छा, समरी सिंह, एसिडिक का उल्टा करेक्टर हो जाएगा, जो बेसिक करेक्टर का ट्रेंड है मैं जान गया, कोई कॉल आई थी, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। किसी भी केस में स्टेरिक नंबर 1 नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन के लिए मिनिमम 2 ऑर्बिटल्स की जरूरत होगी, ठीक है ना। एन का इसलिए देख रहे हैं विकास जी, क्योंकि लोन पेयर सिर्फ एन के पास है, लोन पेयर सिर्फ एन के पास है, इसलिए बेसिक करेक्टर को उसी के हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि हमने कहा लोन पेयर डोनर्स आर बेसिस, सही बात। सुनिए अब, एग्जांपल्स ऑफ sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल्स जो है, सुने, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं सबसे पहले, दैट इज BCl3, ठीक है। अब इस BCl3 में आप देखें,
BCl3 की जो स्ट्रक्चर होती है दैट इज लाइक दिस, Cl, Cl एंड Cl, पहली बात तो ये है, ठीक है। और बोरोन के पास सिर्फ तीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, सुनते जाए। तो जो हमारा बोरोन है ना, जो हमारा बोरोन है उसके पास ट्राइगनल प्लेनर ज्योमेट्री हुई ऐसे, 120 डिग्री का एंगल है, 120 डिग्री का एंगल है उसके पास, ठीक है ना। ये हो गए इसके तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोरोन के सेंट्रल एटम। अब इसके अराउंड जो है क्लोरीन लगेगा, क्लोरीन लगेगा, क्लोरीन का अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऐसे लगेगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, ऐसे ही क्लोरीन का जो p था ऐसे लगेगा, एंड देन क्लोरीन का p, ठीक है। तो ये क्लोरीन, 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 ठीक है, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और ये हो गया बोरोन, ठीक है ना। बोरोन के साथ जो है, और ये तीनों जो है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, इज इट ओके, समझ आ गई बात। बोरोन के साथ तीन क्लोरीन्स लगी। बोरोन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तीन, सही बात है, आकर्षित ने सही कहा। अब सुने, तो तीन होते हैं किस तरह से, ये तीन ऐसे आए, बोरोन ये हो गया 2s, ये हो गया 2p, तो जो तीन है उनको हम ऐसे बना रहे हैं एक बार, और ये जुड़ी एक क्लोरीन, ये जुड़ी दूसरी क्लोरीन, और ये जुड़ी तीसरी क्लोरीन, तो तीनों जो है सिग्मा बॉन्ड ही बने, देयर इज नो पाई बॉन्ड, इज इट ओके। इस तरह से बोरोन के साथ जो है क्लोरीन जुड़ी है यहां पर, आप इस स्ट्रक्चर को नोट कीजिए, आइदर यू टेक द स्नैप, ठीक है ना, या तो नोट कीजिए, ठीक है। अच्छा आगे, अभी मैं एक्चुअल में मैंने 20 ये बताने के लिए आपको नहीं ये किया है ये एग्जाम्पल, अब जो मैं बता रहा हूं, अब जो मैं बता रहा हूं वो एग्जाम्पल जरूरी है, सुनिए, देखिए, इसको मैं मिटाने लगा हूं, मिटा, अब सुनिए, अब आप ध्यान दीजिए, दूसरा जो मॉलिक्यूल है ना, दैट इज इथीन C2H4, नाम सुना है आपने इथीन का, है ना, नाम सुना है आपने इथीन का, ठीक है। अब सुने मेरी बात, ध्यान दीजिए, ठीक है, अब इसमें क्या है, C2H4 में इथीन, आपने इसकी स्ट्रक्चर भी सुनी हुई है, आप इसकी स्ट्रक्चर के बारे में ये जानते हैं, आपने ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बनी हुई देखी है, ठीक है, आपने ये स्ट्रक्चर भी देखी हुई है इसकी, ठीक है, सुनते जाएं बहुत। अब मैं पूरी स्ट्रक्चर को रिवील कर रहा हूं धीरे धीरे, पहले मैं ऑर्बिटल्स आपको समझा रहा हूं। एक कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमने जो है चार बना दिए, ये 2s है, ये 2p है, ये ऐसे ही दूसरे कार्बन के भी बना दिए, एक दो तीन चार, पहली बात देर इज एक एक बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड इनके बीच में, ये बना दिया सिग्मा। दूसरी बात, दो सिग्मा एक कार्बन के हाइड्रोजन के साथ है, तो ये भी बन गए सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, ये सिग्मा, ये सिग्मा, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ, ये भी सिग्मा बॉन्ड इसके साथ, सही बात है, बन गए, ठीक है, हो गए सारे सिग्मा पूरे, मतलब एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा, चार सिग्मा, पांच सिग्मा, तो ये क्या बच गया, ये पाई है, ये पाई कौन बना रहा है, ये बना रहा है, क्योंकि दो एटम्स के बीच में पहले एक सिग्मा बन चुका है, अब जो दूसरा बनेगा वो पाई ही बनेगा,
अब सुनिए, अब इसकी स्ट्रक्चर बनाने लगा हूं, प्लीज सबका ध्यान बोर्ड पे। देखें, पहली बात आप बताओ, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, ये देखो ना, इसकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तीन सिग्मा है, इसके भी तीन सिग्मा है। जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर, सही बात। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे होती है? ट्राइगोनल प्लेनर होती कैसी है? ऐसी, सही है, सुनते जाएं, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, मैं बना रहा हूं पहले ट्राइगोनल प्लेनर। एक, ये एक कार्बन है, सुनते जाएं, ये एक कार्बन है, इसका एक बॉन्ड मैंने बोर्ड से बाहर की तरफ निकाला, इधर एक एच लगाया सिग्मा बॉन्ड से, एक बॉन्ड से अंदर की तरफ ले गया, उधर एक एच लगाया और एक बॉन्ड इधर की तरफ लगाया, मान लो इधर कार्बन है। सुन लो, आप पहले इसी कार्बन को देखो, आप देखो इसके अराउंड ज्योमेट्री क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं? इस टाइम पे है बिल्कुल कि नहीं? मैंने कहा ये एक बॉन्ड बोर्ड की तरफ है, मतलब एक जो है आपकी तरफ है, ऐसे ब्लू वाला आपकी तरफ है, ग्रीन वाला अंदर की तरफ है, और जो ब्लैक वाला है वो बिल्कुल बोर्ड के प्लेन में है, सही बात है, ऐसे। ठीक है, अब सुनिए, लेकिन ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, दोनों ही कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना, तो इसलिए दोनों के अराउंड ज्योमेट्री जो है ट्राइगोनल प्लेनर ही आनी चाहिए। तो इसके अराउंड भी मैंने यहां पर एक हाइड्रोजन बनाया और फिर मैंने ये दूसरा हाइड्रोजन बनाया, ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स बन गए। क्या आप इस टाइम पे समझ रहे हैं कि ये सारे के सारे जो एटम्स हैं इस टाइम पे एक ही प्लेन में? कैन यू इमेजिन दिस, है ना? अभी पाई नहीं, अभी सिग्मा की बात कर रहे हैं, अभी सिग्मा की बात कर रहे हैं कि जैसे, मतलब अभी अगर हम सिग्मा सिग्मा की ही बात करें, ठीक है ना, सुनते जाइए, अभी सिर्फ सिग्मा सिग्मा की बात करें तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि ऑल ऑफ दीज आर इन द सेम प्लेन, ऐसे, अब जितना भी बन पाएगा ऐसे, ऑल ऑफ दीज आर इन द सेम प्लेन, आप देखिए ये सारे एक प्लेन में, सही बात, समझ में आ गया, सबको समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखिए सारे एक ही प्लेन में, क्या बात है, हर इनको भी समझ में आ गया है ना, ऑनलाइन भी मतलब जो है हम बढ़िया से कर रहे हैं, ठीक है, चलिए। अब सुनिए सुनिए सुनिए, अब क्या है भाई, वो पाई बॉन्ड कहां गया? ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, क्योंकि मैंने आपको जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन बताई थी तो मैंने आपको ये कहा था, सुनिए, मैंने आपको ये कहा था कि नहीं, बस सब ऑफलाइन स्टार्ट होने वाली है मोक्षा जी, मुझे लगता है हार्डली, ज्यादा से ज्यादा इंतजार हमें 1 मंथ का हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑड सिचुएशन में भी, अदरवाइज स्टार्ट होगी अब तो जो है ना, तो आप बैग वगैरह धो लीजिए, ठीक है ना, कपड़े वगैरह प्रेस कर लीजिए, ठीक है, हाँ चलिए। अब सुने, अब बात यह है कि पाई बॉन्ड कहां पर है? वंशिका जी, बैकअप क्लास मुझे लगता है कल या परसों से मैं लगा दूंगा बैकअप क्लास, ठीक है, आपको मिल जाएगा टाइम टेबल, आपने जस्ट मेरे को बता देना बैकअप क्लास का, अभी जो है मैं अभी जस्ट डायरेक्ट कर देता हूं लोगों को, ठीक है ना, कि बैकअप क्लास के लिए कल या परसों से हो जाएगी, ठीक है। अच्छा सुनिए, अब बात आती है बेटा जी कि पाई बॉन्ड क्या है, ठीक है, हाँ, तो सुनो संश्रेय, बस जल्दी ही मैं आपके बीच में हूंगा, ये जो है ये बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में मतलब जैसे, अब पता क्या है, मतलब एक बार इमेजिन हो जाए तो बात खत्म हो जाएगी, कि ये जैसे एक कार्बन के अराउंड ये ट्राइगोनल प्लेनर लगे हुए हैं, ऐसे ऐसे लगे हुए हैं ट्राइगोनल प्लेनर, तो एक गुब्बारा आप ऊपर की तरफ लगाइए, एक गुब्बारा नीचे की तरफ लगाइए, मतलब इन तीनों से परपेंडिकुलर है,
तो ये जो गुब्बारे हैं ये इन तीनों से परपेंडिकुलर, समझ आ रही है बात? ठीक है। और ऐसे ही यहां पर भी आप एक लोब लगा दीजिए एंड दिस मेक्स अनदर पाई बॉन्ड, इनके बीच का जो ओवरलैप होगा वो पाई बॉन्ड बन रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? है ना? सो दिस इज मेकिंग, आप इसको स्ट्रक्चर को बना लीजिए, बना लीजिए स्ट्रक्चर को। अच्छा, अब इसके बाद जो है, हाँ अभी आपने सुन लीजिए, आप लोगों ने ग्रेफाइट का नाम सुना है? ग्रेफाइट नाम सुना है, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। तो जो ग्रेफाइट होता है ना, जो ग्रेफाइट होता है, थर्ड एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहां पर, ग्रेफाइट का आपने अपनी, हाँ, वेंडरवाल फोर्सेस होती हैं, बिल्कुल सही बात है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है ना, लुब्रिकेंट का काम करता है। अब सुने, पहली बात तो हम ये जानते हैं कि आखिर जो है ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर लोअर क्लासेस में जैसे हमने पढ़ी है कि भाई वो क्या है, जैसे आपने लोअर क्लासेस में कुछ ऐसे हेक्सागन टाइप जो है स्ट्रक्चर्स इसकी पढ़ी होंगी, ठीक है, ऐसी जो है लेयर टाइप स्ट्रक्चर जो है आपने पढ़ रखी है, है ना? और आपने ये टेंथ में पढ़ रखा है, इनके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस होता है ना, यहां पर जो कार्बन है, यहां पर जो कार्बन है और इसके बीच का जो बॉन्ड डिस्टेंस है, दैट इज 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग। सुन लीजिए, मैं ऐसे लिख लेता हूं, 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग, दो कार्बन के बीच का डिस्टेंस 1.40 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है, ठीक है। जबकि इन दोनों लेयर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो होता है 3.40 आर्मस्ट्रॉन्ग का, ठीक है बात? तो इसलिए दो लेयर्स के बीच में जो फोर्सेस होती है ना वो वीक होती है। सो दो लेयर्स के बीच में जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं, जैसे उसने कहा, ठीक है ना, कि वेंडरवॉल फोर्सेस हैं, तो वेंडरवॉल फोर्सेस ही होती हैं, इसलिए जो है यहां पर वीक फोर्सेस होने की वजह से एक लेयर ग्रेफाइट की दूसरे के ऊपर स्लाइड करती है, इसलिए वो अच्छा लुब्रिकेंट, एक बात, ठीक है। और सुनिए, आप यहां पर देख रहे हैं, आप मुझे ये बताइए इस कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए? थ्री। तो ये कार्बन आपको, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको क्या लगती है? sp2, बिल्कुल सही बोला, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा जी, यहां पर इस तरह से डबल बॉन्ड्स होते, मतलब ऐसे अल्टरनेट पोजीशन पे जो है हर कार्बन के पास जो है डबल बॉन्ड्स होते हैं। सो मतलब एवरी कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड यहां पर जो है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से जो है हर कोई कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ग्रेफाइट का हर कोई कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इज इट ओके? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। संशय बोलो, डाउट?
मतलब कुछ संशय लिखा लेकिन मुझे समझ नहीं आई बात जो है क्लियर, लेकिन फिर भी मैं देखता हूं। कार्बन का इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएगा, सुन लीजिए, अभी मैं बताता हूं आपको सिचुएशन। देखिए ओनली थ्री आर इन्वॉल्व, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, 45 बच्चे रह गए, वी आर नॉट वरीड अबाउट, जब क्लास चलनी है तो चलनी है, ठीक है ना। सुन लीजिए, अब सुनिए, ठीक है। तो कार्बन के पास चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तीन तो हो गए, चौथा पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है। मैं इसको थोड़ा एनलार्ज करके बताऊं क्योंकि बहुत बड़ी बात हम यहां पे करेंगे। दैट इज कि जैसे कोई भी कार्बन है, जब वो ऐसे मान लो ये इधर कार्बन है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल भी होगा और उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, सही बात है। और ऐसे ही नीचे दूसरी लेयर वाला भी कोई होगा जिसके पास भी ऐसा ही अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन होगा, सही बात है। जो दो लेयर्स है ना, ऊपर वाले के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नीचे वाले के पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और फोर्सेस हैं वीक। क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? ठीक है, अब सुने। तो इसीलिए मोक्ष जी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन और ऊपर जंप, वो इलेक्ट्रॉन और ऊपर जंप, लेयर से लेयर में जंप करने के बाद कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। इसलिए ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सही बात। और मजेदार बात यह है, मजेदार बात यह है, ग्रेफाइट जब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में करेगा, इसी डायरेक्शन में करेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करेगा, क्योंकि इसमें इसमें जो है, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, ये भी खास बात है कि जब जो है कोई एक तरफ को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे, एक तरफ को ना करे, इसको उसका एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर बोलते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में आएगा, वहां पे मैं बता दूंगा, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, साइडवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, इज इट ओके। जबकि ऐसा दुनिया में बहुत कम इसमें होता है, मेटल्स तो किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, बट ग्रेफाइट हैज दिस यूनिक बिहेवियर, ठीक है, कि वो सिर्फ जो है इसी डायरेक्शन में, क्योंकि पी ऑर्बिटल्स में मर्जिंग अच्छे से नहीं हो पाती, ये ऑर्बिटल जो है मर्ज नहीं होते स्ट्रॉन्गली, तो इसलिए जो है, देखिए विकास जी, जो वेंडरवॉल फोर्सेस है ना, केमिकल बॉन्डिंग ही टॉपिक चल रहा है, टॉपिक का एंड वेंडरवॉल फोर्सेस से ही होने वाला है, सो यू विल गेट टू नो एवरीथिंग अबाउट वेंडरवॉल फोर्सेस, तब तक इनको रखते हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको मजा आया होगा, यू माइट हैव मस्ट हैव एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि लोग जो है चले जाएंगे, इनको इनको आदत तो डालनी पड़ेगी यार, आदत तो डालनी पड़ेगी ना, जो है 1.5 घंटे की, 2 घंटे की क्लास की आदत डालनी पड़ेगी, ठीक है, तो डालिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट वीक से क्लासेस इंक्रीज हो जाएंगे, इज इट ओके। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।